रजब की दुआ, रजब की नमाज, रजब के रोजे, रजब के इस्तग़फ़ार और बेहतरीन पैगाम माह रजबुल मुरज्जब के एतबार से। ये बात याद रखें कि रजब की फजीलतों पर इंसान अगर सारी रिवायात पढ़ने बैठ जाए तो मैं समझता हूं कि एक मजलिस बहुत मुख्तसर है। आइए इख्तिसार से काम लें रजब के हवाले से। रजब का एक नाम अल असब, रजब अल असब, रजब का एक नाम रजब अल मुहर्रम या रजब अल हराम, रजब का एक नाम रजब अल असम अलिफ स्वाद मीम। अल्लाह के हबीब के जुबानी मुकद्दस से रजब की अहमियत बहुत सारे फरामीन के साथ अहदीस के जखीरे को देखते हुए एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करते हुए बात को आगे बढ़ा। फरमाते अल्लाह के हबीब कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, माह रमदान उम्मत का महीना है। रिवायत अल्लाह के हबीब की फरमाते हैं कि रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसे है जैसे कुरान मजीद की फजीलत सारे कलामों पर है। अल्लाह। और अगर आपके जहन में सवाल आएगा रजब का तस्करा कहां पर, सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में चार मोहतरम महीनों के एतबार से उनमें से आखिरी महीना मोहतरम साल का आखिरी महीना शुमार किया गया मोहतरम महीनों के एतबार से। यकीनन इब्तिदा देखते हुए चलें तो हो सकता है कि अंदाज मुख्तलिफ हो जाए। बास कहते हैं ये पहला महीना है चार महीनों में, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। और अगर बात शुरू हो रजब से तो अंदाज अलग, बात शुरू मुहर्रम से तो अंदाज अलग। रजब अल्लाह का महीना और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रिवायत की रोशनी में रजब आपका महीना है, मौला का महीना। कुछ ऐसे मिसाल बन गई कि सैयदा का महीना मुकम्मल हुआ, मौला का महीना शुरू हो गया। अल असब का मतलब नेकियों से लबरेज, नेकियां इसमें भर दी गईं। रजब का नाम अल असम, जमाने जाहिलियत में रजब में जंगें खत्म हो जाती थी, हथियार खामोश हो जाते थे, घोड़ों का इस्तेमाल जंगी मैदान में नहीं हो पाता था, तो वो तमाम शोर जंगों का कि लश्कर आ रहे हैं जा रहे हैं, तलवारें तेज हो रही हैं, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, ये सारा शोर खत्म हो जाता था। तो असम का मतलब है खामोश, खामोशी वाला महीना, और रजब अल असम। इस एतबार से आपकी खिदमत में एक ऐसी रिवायत जो कयामत के हवाले से पेश करना चाहूंगा उसके चंद जुमले बर रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इर्शाद फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल कयामते नादी, कयामत का दिन जब होगा तो पुकारेगा एक पुकारने वाला मुनादी मिन बतनानिल अर्श, अर्श के बुतून से पुकारेगा।
अर्श के मुकद्दस मकाम से पुकारेगा, आयनर रजबियून। इस रिवायत को आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। किताब का नाम शेख सुदूक ने किताब को मुरतब किया फजाइल अल अशहर सलासा। इरशाद फरमाते हैं इमाम अलैहिस्सलाम कि जब कयामत का दिन होगा तो पुकारने वाला बुतून अर्श से पुकारेगा आइनर रजबियून, कहां हैं माहिर रजब से अपने आप को मुअत्तर कर देने वाले, माहिर रजब का इकराम करने वाले, माहिर रजब का एहतराम करने वाले, माहिर रजब के रोजे रखने वाले, माहिर रजब में मुस्तहब नमाजें पढ़ने वाले, माहिर रजब में सदका देने वाले, माहिर रजब में इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले, माहिर रजब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, माहिर रजब में सूरह इखलास पढ़ने वाले, माहिर रजब में उमरा करने वाले, माहिर रजब में ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम करने वाले, माहिर रजब की बरकतों को हासिल करने वाले। तो कयामत में इनका नाम अलग से, इनका नाम है अर रजबियून, रजब के महीने को हासिल कर लेने वाले। फयकूम उनास, तो कयामत के मैदान में लोग खड़े होंगे इस पुकार के बाद रजब वालों के ऐलान के साथ। फयकूम उनास, लोग खड़े होंगे, युग़ी वजूहुहुम, जिनके चेहरे रोशन होंगे, जियाबार होंगे, ले अहले जम अला रूसहिम तीजानुल मलिक, उनके सरों पर बादशाहों के अंदाज के ताज रखे हुए होंगे और हर एक के साथ हजार हजार फरिश्ते दाएं और बाएं होंगे। फयकुलून, और उनसे कहेंगे फरिश्ते, हनी अल्लक, ए रजब का महीना गुजारने वालों, हनी अल्लक, मुबारक हो, मुबारक हो, करामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की करामत, अल्लाह के इस इनाम की मुबारक, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे। फयाती अन्निदा मिन इंदिल्लाह अज़्ज़ा वजल, बस आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, इबादी रजब का महीना करीब है, मैंने चाहा कि जमादिये सानी के आखिर आखिर के मसाइल को बयान करने से पहले रजब के फजाइल पर कुछ बातें आपकी खिदमत में पहुंचा दूं, उसी का सिलसिला। फयाती अन्निदा, निदा अल्लाह की तरफ से आएगी, इबादी व इमाई, ए मेरे बंदो और ए मेरी कनीजों, अब सुने मोमिनीन भी और सुने मोमिनात भी, खुदा दोनों से मुखातिब, कयामत के दिन रजब की बरकत से खुदा आप सबसे मुखातिब होगा, हम सबसे मुखातिब होगा इंशाअल्लाह। क्या खिताब करेगा मालिक, लउक्रिमन्ना मस्वाकुम, मैं जरूर आज तुमको तकरीम अता करूंगा तुम्हारे मकाम के एतबार से, वला उज़िलन्ना अतायाकुम, मैं जरूर तुम्हें तुम्हारे अताया इनामात तुम्हें जरूर दूंगा, वला उतियन्नकुम मिनल जन्नत गुरफन, और मैं जरूर तुम्हें दूंगा ऐसे कमरे ऐसे हुजरे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, इसमें कि हमेशा हमेशा रहें, और निमा आजरुल आमिलीन, और कितना बेहतरीन है अमल करने वालों का अज्र।